नंद किशोर पाटीदार द्वारा अपनी लहसुन को पानी में बहाया गया है। आपके द्वारा लहसुन पानी में बहाई गई है, क्या कुछ मामला है? क्या कुछ सर, मंदसौर लहसुन भेजने गए थे, दो दिन में हमारा नंबर आया, बाहर गेट पे खड़े थे, तो वहाँ पर 200-250 रुपया करीब बिकी, तो हमको बोला कि ऐसा भेज के क्या करेंगे, हमको पानी बहा दे वो अच्छा है, इस बात से अपना हो तो कुछ नहीं रहा, इस कारण हमको री के लगे, फिर वापस भर के वापस ले आए वो मंडी में, व्यापारी द्वारा वो माल कचरा कर दिया, मतलब गोंद वगैरह ऐसा स्थिति हो गई, तो हमको भेजने ही नहीं, हम वापस यहाँ ले कर पहाड़ी के अंदर डाल दिया। हमारे कुल कितने बीघा की लहसुन थी और कितनी? हमारे 4 बीघे की थी, अभी एक ट्राली भेज दी, फेंक दी, एक ट्राली और है, समय देख के एक ट्राली और भी डाल देंगे हम तो। पर हमारे कितना खर्चा है? खर्चा तो सर 1.5-2 लाख रुपया करीब हो गया, खर्चा तो बहुत हो जाता, बहुत है खर्चा, तो खाद बीज वगैरह दवाया, बहुत बहुत सारी दवाई है, वो 10-12 क्विंटल बीघा ही पैदावार थी, केवल पैदावार ही खत्म हो गई, ये कारण हो रहा। कितना बीघे के समथिंग? 4 बीघे ही बोई थी हमको। नाम बताएं? नंद किशोर पाटीदार, बालागुड़ा के। सबसे ज़्यादा अगर संकट में है तो हमारा अन्नदाता किसान संकट में है, लहसुन के भाव नहीं मिल रहे हैं, ओने पौने दामों में लहसुन खरीदी जा रही है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा किसान संकट में है, महंगाई चरम पे है, उपज का पैसा मिल नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से आप देखिए सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चीतों की चिंता कर रहे हैं और चीतों की चिंता की तरफ है, लेकिन आज हमारा किसान करोड़ों रुपए खर्च करके जो चीते विशेष एरोप्लेन से यहाँ मंगाए गए हैं, अगर वही खर्चा हमारा अन्नदाता किसानों पर होता, आज आप देखिए गौ माता लंपी रोग से पीड़ित है, उसके लिए वैक्सीन नहीं है, लेकिन इनको चीतों की चिंता है, तो शासन प्रशासन सरकार सबका दायित्व है कि पहले किसानों की चिंता करें, हमारे अन्नदाताओं की चिंता करें, आज किसान महंगाई चरम पर है और कृषि उपज मंडी में कई किसान हमारे जो है ढेर छोड़ के जा रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इस कारण से कई किसान जो है मंडी में ढेर छोड़ करके जा रहे हैं, ये इस तरह से अपना इन्होंने हमारे बालागुड़ा के किसान हैं नंदकिशोर जी पाटीदार, इन्होंने अपनी 24 बोरी लहसुन जो कि ओने पौने दामों में मंडी तक लेते गए थे, ओने पौने दामों में बिक रही थी, इन्होंने उसको निरस्त करके यहाँ ला करके विरोध स्वरूप यहाँ इसके जो शैल पत्थर की जो खदान है इसके पानी में ला करके और उस 24 बोरी लहसुन को डाला है और अपना विरोध प्रकट किया है, तो मेरा यहाँ पर सरकार से मांग है कि कोई ऐसी ठोस नीति बनाई जाए, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों की सरकार नहीं है, लेकिन किसानों के लिए भी ऐसी कोई कार्य योजना बनाए, ठोस नीति बनाए, ताकि हमारा किसान इस तरह से बर्बाद नहीं हो और किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, लेकिन ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी अडानी की सरकार है, ये ज़्यादातर उनकी चिंता करती है। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, धन्यवाद।